हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप देख ही रहे हैं, कोड 510 यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का अधिगम। यूनिट हमने 1 लिया है, इसमें हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, वैज्ञानिक विधि के चरण कौन कौन से हैं। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शिक्षक का दायित्व, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है और इसमें शिक्षक का क्या दायित्व होता है, ठीक है ना, क्या उत्तरदायित्व होता है, उदाहरण सहित आपको यहाँ पे समझाने हैं। तो चलिए आइए दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके पहले लेकिन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वैज्ञानिक विधि के विविध चरणों की चर्चा करना है आपको यहाँ पे, ठीक है, अथवा वैज्ञानिक विधि के जो 8 चरण है, यानी कितने चरण है, तो वैज्ञानिक विधि के 8 चरण है, उनकी आपको यहाँ पे चर्चा करनी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से चरण है वैज्ञानिक विधि के। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि वैज्ञानिक विधि कहलाती क्या है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से जो भी समस्या समाधान की कोई भी विधि जिसमें कुछ तर्क संगत चरण अपनाए जाए वैज्ञानिक विधि कहलाती है। यानी वैज्ञानिक ढंग से और कोई जो समस्या है उसकी समाधान के लिए जो विधि यूज की जाती है, जो तर्क संगत होती है, ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि तर्क संगत ही होती, तर्क वितर्क होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, तब वो वैज्ञानिक विधि कहलाती है। तो बहुत आसान लफ्जों में आप इसको लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए जब भी कोई विधि अपनाई जाती है जिसमें तर्कसंगत चरण अपनाए गए हैं, उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अब इसके चरण देख लेते हैं कौन कौन से। तो निम्न चरण अपनाए जाते हैं, तो इसमें पहला ले लेते हैं समस्या को महसूस करना। पहली विधि जो है चरण इसके हैं, सॉरी वैज्ञानिक विधि के जो चरण होते हैं, सबसे पहला ले लेते हैं समस्या को महसूस करना। तो देखिए, ऐसी परिस्थितियां प्रदान करें कि शिक्षार्थियों को कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता महसूस हो। ऐसे प्रश्न पूछें कि वे शिक्षार्थियों के लिए चिंतनशील सोच व तर्क के आधार पर हल होने वाली समस्याएँ बन जाएँ। ऐसा करते समय शिक्षार्थियों की आवश्यकता, क्षमताओं व बुद्धि का ध्यान रखें। साथ ही समस्या हल करने के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धि और शिक्षार्थियों में चिंतनशील सोच विकसित करने में समस्या का योगदान भी विचार करने योग्य हो। समस्या को महसूस करना। अब मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अब आपने लेसन पढ़ाया तो कुछ उसमें ऐसे कंटेंट डाल दीजिए, कुछ ऐसे लेसन को पढ़ाइए, इस तरीके से आप पढ़ाइए कि जिससे जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो शिक्षार्थी है, जो छात्र स्टूडेंट है, वो आपसे क्वेश्चन करे। जनरली हम लोग कहते हैं ना, एनी क्वेश्चन लेसन समझाने के बात की, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसी वहां पे स्थिति होनी चाहिए कि जो छात्र है वो आपसे क्वेश्चन करे, और आप भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछें जिससे जो छात्र है वो सोचने पे मजबूर हो जाए, ठीक है ना। और ऐसा करते समय जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं छात्र से, स्टूडेंट से, तो आप उनकी मानसिक स्थिति को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि बच्चा जो है उसका जवाब दे भी पाएगा नहीं, वो मेंटली तौर पे उस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं तैयार है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला बन रहा है वो है हमारा समस्या को महसूस करना, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं समस्या को परिभाषित करना। अब शिक्षार्थी अब समस्या को परिभाषित करता है, शिक्षक को समस्या परिभाषित करने में शिक्षार्थी की सहायता करनी चाहिए। शिक्षार्थी को कहें कि वे अपने अवलोकन के आधार पर समस्या को परिभाषित करें और कक्षा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करें। और शिक्षार्थी निम्न प्रकार से के कथन लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो पहले था कि जो समस्या है उसको देखना, ठीक है ना, कि समस्या लाई जाए सामने। अब जब समस्या आ गई है सामने, तो यहाँ पे दूसरा जो बन रहा है टॉपिक वो बन रहा है समस्या को परिभाषित करना। अब यदि समस्या पता चल चुकी है तो अब उसको किस तरह से परिभाषित किया जाए, किस तरह से उसका अर्थ निकाला जाए, किस तरह से जो स्टूडेंट है, छात्र है, वो शिक्षक से अपनी समस्या को अवगत कराए। और यहाँ पे टीचर को भी सहायता करनी होगी, किसकी, छात्र की। अब जो शिक्षार्थी है किस तरह से जो समस्या है उसको परिभाषित कर सकता है, किस तरह के प्रश्न वो पूछ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि पानी क्यों उबल रहा है, ठीक है, पहले पानी क्यों उबला, ठीक है, फ्लास्क को बंद करके उल्टा क्यों गया, उल्टाया क्यों गया, उल्टाए हुए फ्लास्क पर ठंडा पानी क्यों डाला गया, और जब उल्टाए हुए फ्लास्क पर ठंडा पानी डाला तो उसके अंदर का पानी क्यों उबला। यानी जो टीचर ने क्वेश्चन लेसन पढ़ाया था उसके आधार पर जो समस्या हुई उसको देखा गया, और समस्या के बाद उसको परिभाषित करते वक्त ये क्वेश्चन वहाँ पर क्रिएट हुए हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से हम देख लेते हैं तीसरा, समस्या का विश्लेषण। थोड़ा सा पीडीएफ यहाँ पे डल हो गई है,
उसके लिए सॉरी चाहूंगी। तो शिक्षार्थी अब कुछ संकेत शब्द ढूंढते हैं जो समस्या का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तुत करते भूभाग प्रस्तुत करते हैं। ऊपर प्रस्तुत समस्या में पानी उबलता है या उबलता पानी संकेत शब्द है। अब वो जो है सुगम देते हैं कि हमें सुराग देते हैं कि हमें अलग अलग परिस्थितियों में पानी उबलने संबंधी सूचना एकत्र करनी है। अब समस्या तो क्या हो गई, समस्या हमें पता चल गई, समस्या हमें क्या पता चली, पानी का उबलना। तो यहाँ पे देखिए दो तरह से दिया गया, एक तो पहला कहा गया कि पानी उबलता है और दूसरी जो समस्या थी या उबलता पानी, बात एक ही चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कौन सी चीज मिली, यहाँ पे पानी के उबालने संबंधी हमें सूचना मिल चुकी है, ठीक है। अब देख लेते हैं आंकड़े एकत्र करना। अब शिक्षक समस्या समाधान हेतु संदर्भ समझाता है, शिक्षार्थी इन संदर्भों के माध्यम से अपनी समस्याओं से संबंधित प्रमाण एकत्र करते हैं। शिक्षार्थियों को सूचना ढूंढने का और एकत्र करने के तरीकों का अभ्यास देना चाहिए कि किस तरह से आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और शिक्षार्थी इन नई तकनीक का प्रयोग करते हैं, जैसे मॉडल चित्र भ्रमण पाठ पुस्तक के आते, यहाँ पे जो है उसके लिए क्या किए जाते हैं, आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। आंकड़ों का अर्थ निकालना, अब यह एक महत्वपूर्ण और कठिन चरण है आंकड़ों का अर्थ निकालना, क्योंकि इसमें चिंतनशील सोच की आवश्यकता है। शिक्षार्थी आंकड़ों का समानता व विभिन्नता के अनुसार वर्गीकृत करते हैं और प्रश्नों के उत्तर देने व विचार के परीक्षणित प्रयोग चुनते हैं। तो आंकड़ों का अर्थ निकालना वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आंकड़ों में समानता और विभिन्नता देखी जाती है, कौन से आंकड़े एक तरह के हैं कौन से आंकड़े अलग तरह के हैं। तो दोनों आंकड़ों को अलग अलग किया जाएगा, वर्गीकृत करना, क्लासिफिकेशन करना, दोनों को अलग अलग किया जाएगा, एकता वाले, समानता वाले, विभिन्नता वाले। और उसके बाद जो प्रश्न होंगे उनके जो उत्तर होंगे उनके विचारों के लिए भी, परीक्षण के लिए भी आंकड़े यहाँ पे प्रयोग करने पड़ेंगे, ओके। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, अगला है हमारा परिकल्पना का विकास। तो आंकड़ों का अर्थ निकाल कर, अब आंकड़ों का अर्थ हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे आंकड़ों का अर्थ निकाल कर उन्हें व्यवस्थित करने के बाद शिक्षार्थियों से कहा जा सकता है कि वे दिए गए प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालें और निष्कर्षों का परीक्षण करने के तरीके सुझाएं। अब यहाँ पे हमने आंकड़े तो यहाँ पे निकाल लिए, समानता विभिन्नता वाले आंकड़े अलग अलग कर लिए, यानी उनके अर्थ हमें निकल गए। जब आंकड़े अर्थ निकल गए तो व्यवस्थित कर लिया, और व्यवस्थित करने के बाद अब आप छात्र से कहिए कि जो प्रमाण दिए गए हैं उनके आधार पर वो निष्कर्ष निकालें और जो निष्कर्ष है उनका परीक्षण करने के तरीके सुझाएं कि किस तरह से उन निष्कर्षों का परीक्षण किया जा सकता है। तो शिक्षार्थियों ने कुछ जो सुझाव दिए इस तरह के हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन वही है, पानी उबलने वाला, ठीक है ना। पानी तब भी उबलेगा, ओके, कब उबलेगा, अब ये देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, जब फ्लास्क उल्टा नहीं किया जाएगा तब भी पानी उबलेगा, जब पानी को उबाला नहीं जाएगा केवल गर्म किया जाएगा, जब उल्टाए गए फ्लास्क में ठंडा पानी हो और उस पर गर्म पानी डाला जाए, जब उल्टाए गए फ्लास्क में उबला पानी हो और उस पर गर्म पानी डाला जाए, ठीक है ना। तो पानी कब उबलेगा, तब भी, इन कंडीशन में भी उबलेगा, और जब उल्टाए गए फ्लास्क में ठंडा पानी हो और उस पर ठंडा पानी डाला जाए। तो देखिए इतनी कंडीशन हो, जब उल्टाए गए फ्लास्क में उबला पानी हो और उस पर ठंडा पानी डाला जाए, ये डबल हो गया है। अब देख लेते हैं सबसे अधिक उपयुक्त परिकल्पना का चुनाव व परीक्षण करना, ठीक है ना, 7 नंबर का, क्योंकि 8 इसके चरण है तो 7वें नंबर पे हम आ गए हैं। तो बहुत सारी परिकल्पनाओं में से एक परिकल्पना का चुनाव करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। अगर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं और उनमें से कहा जाए कि आप एक चीज़ को यहाँ पर चुनना है और वो भी सभी में मिलती जुलती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्किल की, टैलेंट की, कौशल की जरूरत पड़ेगी, और इसमें प्रासंगिक आंकड़ों का चुनाव, व्याख्या, विश्लेषण की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी चर्चा करके या प्रयोगों द्वारा सबसे उपयुक्त परिकल्पना का चुनाव कर सकते हैं और शेष परिकल्पनाओं को अस्वीकृत कर सकते हैं। तो जिस चीज़ के लिए हमें आंकड़े चाहिए होते हैं तो पहले उनका हम चुनाव कर लेते हैं कि हमें कौन से आंकड़े चाहिए हैं, उनकी व्याख्या विश्लेषण कर लेते हैं, इसके बाद हम वहाँ पर परिकल्पना का चुनाव कर लेते हैं, शेष को हम हटा देते हैं। चुनी हुई परिकल्पना का प्रयोग पुनः परीक्षण किया जाता है, जो हमने परिकल्पना चुनी है उससे पुनः हम परीक्षण करेंगे ताकि पता लगा सके कि वह सही है या नहीं है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, उदाहरण के लिए शिक्षार्थियों ने पता लगाया कि उल्टाए गए फ्लास्क का पानी दोबारा तभी उबलता है जब उस पर ठंडा पानी डाला जाए। देखिए परीक्षण हो गया ना, और किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं था और इसलिए बाकी परिकल्पनाएं अस्वीकृत कर दी गई। चलिए अब 8 देख लेते हैं, और जो 8 नंबर का है वो है कि निष्कर्ष निकालना और सामान्यीकरण करना। अब लास्ट में निष्कर्ष निकालना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वास्तव में स्वीकृत परिकल्पना ही निष्कर्ष है और किसी भी निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ प्रदर्शन किए जा सकते हैं और सामान्यीकरण करने के साथ कई प्रयोग किए जा सकते हैं और जिनका परिणाम वही हो जो हमने निष्कर्ष में निकाला है। तो निष्कर्ष निकाला, फिर हम प्रदर्शन करें, फिर सामान्यीकरण करें, लेकिन निष्कर्ष वही निकले जो पहले का निकला था। उदाहरण के लिए बदलते दाव का पानी के क्वथनांक पर प्रभाव प्रयोग करके पता लगाया जा सकता है और इन हालातों में हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। जब दाव का पानी के क्वथनांक पर सीधा प्रभाव यानी दाव बढ़ाने से पानी का क्वथनांक भी बढ़ता है और दाव घटाने से पानी का क्वथनांक भी घटता है। सिंपल सा और लॉजिक है ये। ओके, अब सामान्यीकरण का कई परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं, तो शिक्षार्थियों को चाहिए कि वे सामान्यीकरण का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और इस हेतु एक शिक्षक या शिक्षिका का क्या दायित्व तो होता है, उदाहरण सहित आपको चर्चा करना है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण खोजबीन का एक उपागम है जो निम्नलिखित गुणों से लाभान्वित है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का भी क्वेश्चन बन सकता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है किसका एक उपागम है, तो वो खोजबीन का उपागम है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खोजबीन के क्या लाभ गुण हो सकते हैं वो आपको बताने हैं, तो आपको आंसर यही लिखना होगा। जिज्ञासा, निष्पक्षता, खुली मानसिकता, दृढ़ प्रतिज्ञा, नम्रता, असफलता को मान लेने की क्षमता और संदेहवाद। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं जो आपका क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और एक शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व तो होता है। ओके, तो यहाँ पे उदाहरण सहित पूछा, तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि भास्कर राव ने कहा कि सबसे उपयोगी वैज्ञानिक जो मनोवृत्तियाँ हैं वो खुली मानसिकता, आलोचनात्मक मानसिकता, प्रमाणों के लिए आदर, स्थगित निर्णय, बौद्धिक ईमानदारी, अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहना, सत्य की खोज, जिज्ञासा और तार्किक चिंतन होती हैं। ठीक है ना, वैज्ञानिक मनोवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए हो सकता है। तो शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करवाने की सारी जिम्मेदारी शिक्षकों की है। वे स्वयं शिक्षार्थियों के सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करें, उनके व्यवहार में बौद्धिक ईमानदारी, दूसरों के विचारों के प्रति आदर और निरपेक्षता झलकनी चाहिए। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक आप आदर्श शिक्षक कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए, व्यवहार में बौद्धिक ईमानदारी के साथ साथ में बुद्धि के साथ जो ईमानदारी निभाई जाती है वो होना चाहिए। दूसरों के विचारों के प्रति आदर, बच्चों के विचारों का भी आपको आदर करना होगा और निरपेक्षता जो है ये होनी चाहिए। इसी के साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण वास्तव में नई या समस्यात्मक परिस्थितियों में प्रदर्शित कई आदतों, संवेदनाओं और समरूपता से प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्तियों का मिश्रण है और इन आदतों, संवेदनाओं व प्रवृत्तियों में शामिल है परिशुद्धता, ईमानदारी, खुली मानसिकता, स्थगित निर्णय, दूसरों के विचार स्वीकार करने की तत्परता और सही कारण प्रभाव संबंध जानने की आदत। एक भावनात्मक संकल्पना है और वैज्ञानिक मनोवृत्तियां समानतः वैज्ञानिकों की बौद्धिक व भावात्मक प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि वैज्ञानिक मनोवृत्तियां किससे संबंधित है, तो वैज्ञानिकों की बौद्धिक व भावात्मक प्रतिक्रियाओं से संबंधित है, प्रक्रियाओं से। ये इंपॉर्टेंट MCQ आपका बन सकता है कि वैज्ञानिक मनोवृत्तियों से आप क्या समझते हैं, वैज्ञानिक मनोवृत्तियां किससे संबंधित है, तो ये बौद्धिक और भावात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित है। ओके, आगे देख लेते हैं। जो ये आदतें हैं प्रतिदिन की संवेदनाओं और सोच से संबंधित होती हैं और केवल वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि सभी की, और अंधविश्वास वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में मानसिक रुकावट है, इसीलिए वैज्ञानिक लोग अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। ओके, विद्यालयों में कार्य अभ्यास करने के अवसर प्रदान करने चाहिए और इससे सही मनोवृत्तियों का उपयोग करने और उन्हें मजबूत बनाने के अवसर मिलते हैं, और इसीलिए स्कूल में जो है बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। कार्य अभ्यास का मतलब वही होता है, होमवर्क देना, ठीक है ना, और स्कूल में भी जनरली इस तरह के होमवर्क कराए जाते हैं। शिक्षार्थी जो कक्षा में पढ़ते हैं उन्हें उनकी सतता पता लगाने हित प्रयोग करने चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए कि जब तक पर्याप्त प्रमाण इकट्ठे ना हो निर्णयों को स्थगित कर देना चाहिए, और विज्ञान में यही होता है कि जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, तभी विज्ञान किसी चीज़ को मानता है। उन्हें बताना चाहिए कि वे आलोचनात्मक व परिशुद्ध अवलोकन करें और बताएं कि वे देखते हैं और सही समझते हैं जो वो देखते हैं। यानी साइंस में यही है, जो हम देखते हैं वो सही होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो हमने देखा वो सही हो गया है। यहाँ पे उसको आपको
परिशुद्ध यानी शुद्ध भी करना होगा, यहाँ पे आपको उसका निर्माण भी करना होगा, यहाँ पे आपको उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देना होगा कि जो आपने देखा वो सही क्यों है, सही है लेकिन क्यों है, उसका बेस आपको बताना होगा। उनकी नकल करने की और हर चीज़ को बिना प्रमाण के मानने की आदतों को हतोत्साहित करना चाहिए। यही मैं कह रही हूँ कि साइंस में हर एक चीज़ को प्रमाण से जोड़ा जाता है। ये बात तो स्पष्ट है कि मनोवृत्तियाँ प्रायोगिक कार्य द्वारा ही विकसित होती है और साथ ही शिक्षार्थियों को अवसर मिलता है कि पहले ही विकसित मनोवृत्तियों को और मजबूत कर ले। इसीलिए जो मन की वृत्तियाँ, जो मन के कसमकस पेश होते हैं, वो सभी जो होते हैं किससे, प्रायोगिक वर्क से। इसीलिए जो साइंस में होता है प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है और हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली तौर पर देखा जाता है, प्रायोगिक तौर पर देखा जाता है, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, ठीक है ना। और इससे जो शिक्षार्थी जो है, छात्र जो है, उनको तो अवसर मिलता ही है, लेकिन साथ में जो टीचर होते हैं उनको भी अवसर मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मापन आसान नहीं है और हमें किसी ऐसे परीक्षण की जानकारी नहीं है जिससे शिक्षार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सही मापन किया जा सके। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या सही मापन किया जा सकता है या परीक्षण किया जा सकता है, तो वहां पे ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का वीडियो जिसमें हमने दो क्वेश्चन लिए। एक क्वेश्चन था वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और इस हेतु शिक्षक का क्या दायित्व होता है, उदाहरण सहित चर्चा करना है, ओके। और जो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आपका है कि जो वैज्ञानिक विधि होती है उसके चरण कौन कौन से हैं या फिर 8 चरण होते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है कि वैज्ञानिक विधि के कितने चरण होते हैं, तो वैज्ञानिक विधि के 8 चरण होते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हम कोशिश हमारी पूरी है कि आपका जो जितना भी कोर्स है, हालांकि 50% से भी 75% से भी ज़्यादा आपके कोर्स हो गए हैं और जो भी हम वीडियोज लेके आए, बहुत ज़्यादा वीडियोज नहीं लेके आए लेकिन जो भी लेके आए वो आपके इंपॉर्टेंट वीडियोज है और क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे, इतना आप बिलीव करिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।